पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समंदर में रहस्यमय मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी है कि समुद्र अब तक क्यों स्पेस से ज़्यादा रहस्य लिए हुए। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में 20% ही सेफ्लोर ही देखा गया है। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही, लेकिन अपनी धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कई ज़्यादा दहशतों से भरा और कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4,00,000 किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। वुड्स होल ओशन ग्राफिक के अनुसार समुद्र की औसतन गहराई करीब 12,000 फीट, वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। समुद्र में सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में अब तक 3 घंटे ही बिताए जा सके, आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ गहराई इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं है। सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज़्यादा है। आसान तरीके से इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज़्यादा मुश्किल है। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने पर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है, वही अंतरिक्ष में दबाव जीरो हो जाता है। समुद्र के तल पर लाखों जहाजों का मलबा जमा हुआ है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए, फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। ये बरमुंडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी माना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का यह त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा तक नहीं जा सका। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियंस से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी वाम बम वर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल नाम दे दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को यह डर भी है कि कहीं इस जैसी कई और जगहें तो गहराइयों पर नहीं होंगी। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जो हर स्पेस में नहीं, बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं कि उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पर फिश भी जो है वो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी। सी एनिमल्स पर अब तक पूरी स्टडी नहीं हो सकी, आप इस फोटो में देख सकते हैं। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशन ग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा जहाज़ों का मलबा जमा होगा। ये अपने आप में खतरनाक है, इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास के हर चीज़ को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही मामला कर देती। हालांकि असर
असल खतरा वो सी एनिमल्स है जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं, इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मस्ती रहती होगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। राधे राधे।